रामनवमी हिंसा के दौरान बिहार के नालंदा में देखिए कैसे लूटी गई मुंबई भाजपा के मुस्लिम नेता की दुकान। हैदर आजम ने ट्विटर पर वीडियो किया शेयर। रवि कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिहार के सासाराम और नालंदा में रामनवमी के दिन और उसके लगातार अगले दो दिनों तक हिंसक झड़पें होती रही, आगजनी और लूटमार, तोड़फोड़, पथराव, यहां तक की फायरिंग, खास करके नालंदा। नालंदा में शनिवार देर रात तक जो है ये मामला चलता रहा, हिंसक झड़पें हुई। वहीं उसी दौरान 31 मार्च को यहां पर मुंबई भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और मौलाना आजाद विकास मंडल के अध्यक्ष फडणवीस सरकार के दौरान रह चुके मुंबई मलाड में रहने वाले हैदर आजम, इनकी भी दुकान लूटी गई। खुद हैदर आजम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया है, सीसीटीवी फुटेज है। दो एंगल का ये सीसीटीवी फुटेज है, हम दिखा रहे हैं आपको कि रामनवमी के मौके पर जो भी टकराव हुआ दो समाजों के बीच और जो हिंसा हुई, उस हिंसा के दौरान मुंबई के भाजपा नेता हैदर आजम, उनकी इस दुकान को कैसे ताला तोड़ा गया और उसके बाद कैसे इन पूरे टोली ने अंदर घुसकर, झुंड है पूरा वो, घुसकर जो चीज हाथ में लग रही है वो उठा के लेके जा रहा है। हैदर आजम की बिहार के नालंदा में, बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ में डिजिटल दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की उनकी एक दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है। मालाड में भी उनकी दुकान है। तो ये दुकान जो है यहां पर कैसे लूटी गई, देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। और इस ट्वीट में हैदर आजम ने क्या लिखा है, तो बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए हमने यहाँ दुकान शुरू की थी, मगर ऐसा रहेगा तो कौन यहाँ पर व्यापार करेगा। बहरहाल किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है देखिए।